किराएदार बनना आसान नहीं है। पापा जी ज्यादा है बालू। ट्रक वाले भाई साहब ने हमें नीचे दे दिया था, अभी बाल बाल बचे। हमारा सामान गिर गया। तरुण भाई इंस्पेक्शन कर रहे हैं पिज्जा कैसे बनता है। ये कोई ठुका है। टाइम देख रहे हो, रात के 8:40। हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो दिन है वो जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी मैं सारे काम मैनेज कर लूं। लेकिन आज भी मैंने ऐसा सोचा कि मैं जल्दी घर पे आ जाऊंगा, एडिट वेडिट करूंगा। और फिलहाल हम आ चुके हैं इस गाड़ी में। तो अभी इस गाड़ी को मुझे लेके जाना है कहाँ, मतलब मैं अपने काम पे ही ज्यादा फोकस करता हूँ, उसके अलावा कोई भी काम मुझे हो तो मैं वो ना ही कर देता हूँ शेड्यूल को मैनेज करने के चक्कर में। लेकिन ये एक ऐसा काम था जिसको मैं मना नहीं कर पाया और जो मुझे करना पड़ा। और ये देखो इस गाड़ी में सामान कितना है बताया। अभी पहुंचते हैं पहले लोकेशन पे और बताता हूँ कि कहाँ लेके जा रहा हूँ सामान को। जब मैं अपने कॉलेज में था ना, 5-6 साल पहले की बात है, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास ना ये गाड़ी थी, एक्सयूवी, ठीक है, एक सीनियर थे उनके पास भी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में बैठा ना, मुझे ऐसे लगा कि यार ये कितनी लग्जरी गाड़ी है। और उस टाइम ये नई नई आई थी और काफी लग्जरी गाड़ी ये थी भी, इवन आज भी ये गाड़ी लग्जरी लगती है, बट उस टाइम ना मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि मतलब ये कितनी लग्जरी गाड़ी है, काश कभी ऐसा हो ये गाड़ी मैं चला पाऊं। मतलब मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने अपने कभी फ्रेंड से गाड़ी मांग ली, मतलब मैं कभी भी, मेरा ऐसा नेचर रहा कि मैं कभी किसी से गाड़ी, इवन आज भी ऐसा है कि मैं कभी भी किसी की गाड़ी ना जॉय राइड के लिए मांगता नहीं हूँ। हाँ, कोई गाड़ी चलाने का मेरा बड़ा मन हो और सामने वाला ऑफर कर दे तो अलग बात होती है, बट हाँ कभी मैंने कभी किसी से गाड़ी मांगी नहीं। तो उस टाइम भी वैसा ही था। और फिर उस टाइम तो क्या है कि उतना सेटअप भी नहीं था, सच बात बताएं तो थोड़ा सा डर भी लगता था यार कि मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है कहीं लग भग जाए कुछ वैसा हो तो। और आज देखो, समझ रहे हो आप, एक्सयूवी। बहुत कम से समय में ना चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई। लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस ले लिए ना वो बहुत ही हसीन, मतलब वो ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ के कि मतलब बस यार थैंक यू सो मच आप सबका भी और उस ऊपर वाले का भी, जिन चीजों का बहुत ज्यादा शौक था वो एक्सपीरियंस कर लिए। जब शौक पूरे हो फिर आपको जिंदगी की बाकी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो बस अब हम उन चीजों की तरफ ही भागेंगे। गाइस, ये मेरे मकान मालिक की गाड़ी है ना, जो इसमें लाइटें डली हुई है पीली, तो मुझे लगता है मेरे पास कोई एलईडी का सेट ना बचा होगा, आज इसको पहन दूंगा। बोलूंगा तेरी गाड़ी में ना सही नहीं लग रही, येलो लाइट इतनी बढ़िया गाड़ी है, येलो लाइट अच्छी लगती है व्हाइट लाइट को, पर ये भी बहुत तेज है ना, बोले यार गिफ्ट कर दो। भाई साहब अभी वो लॉजिस्टिक वाली जगह ही नहीं मिल रही मेरे को, कहाँ पे? तो मैं बता रहा था ना आपको, किराए के घर में रहना कोई आसान काम नहीं है। ये सोने का टाइम था मेरे। देखो ये है जिम का इक्विपमेंट, ठीक है, भाई साहब की जिम है, पता ही होगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं। वो सुनिए आपने कहावत ना, दिए के नीचे अंधेरा। जिम का ओनर, डाइटिशियन, ट्रेनर ने डाइट प्लान इससे मांगे हुए जब जिम खोली थी ना, तभी मांगा था। वो नहीं भेजा गया अभी, ये खोल के भेजना है यार। यही तो इन्होंने मसला डाल दिया लास्ट में कि इसको खोलना है। अरे यार तो एक ट्रेडमिल मेरे को ही गिफ्ट कर देता। प्लीज आप इधर से ले लो यार एक। आप यहीं से ले लो। पसीने से अभी इसकी हालत खराब हो गई है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं गाइस, अब मैं हेल्प करता हूँ, बातचीत आज मैंने बहुत कर ली है। दो ट्रेडमिल हैं, ये बेसिकली इनके मुंह ऐसे सीधे हैं, ये देखो, तो ये लॉजिस्टिक्स में टूटने का खतरा है। ये इसका मुंह ऐसे सीधा करके डालना है ताकि ये टूटे ना। अभी इसके बाद एक और काम भी है, बताया ना मैंने, किराया बनना आसान थोड़ी है। ये जो गाड़ी में आपने बड़े बड़े डिब्बे देखे थे ना, समझा एकदम स्कीमी है ये। अभी इसको पूरा पैक वैक करके ऐसे भेजेंगे। मेरे को लगता है पहले ही पैक की हुई है, इतना अनुभव कैसे है पैक करने का? काम यही है, डेड बॉडीज डालने का। गाइस मुझे उम्मीद नहीं थी, पर क्या पैकिंग की है। फाइनली सारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है और टाइम लगभग अभी 9:30 के करीब हो गए हैं और अभी हमारा काम जो है वो खत्म नहीं हो रहा, काम अभी हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना काम खत्म नहीं हुआ, तो अभी ये गाड़ी लेके हमें कहीं और जाना है। मेरे पास ना एक बड़ी अच्छी डील है, LEDs पड़ी है मेरे पास। कौन से कलर? तो व्हाइट कलर की। इस गाड़ी को ये येलो अच्छी नहीं लगती। Okay. तो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दूंगा मैं, ठीक है? 100%। देखा मैंने बोला था ना आपको, फ्री बोलेगा, फ्री में गिफ्ट नहीं बोला, कह रहा 100% डिस्काउंट। देख रहे हो, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सही है, ट्राई करवा लूंगा आके। वो लॉजिस्टिक वाले अंकल है ना आकाश, जो है वो बाइक पे आया हुआ है, ठीक है, वो सामने आपको बाइक दिख रही है, तो वो अंकल को छोड़ने जा रहे हैं। अभी हमने जाना है यहाँ से बड़ी ब्राह्मण। गाइस आगे जा रही है स्कॉर्पियो जिसपे लगा है 4x4 का बैज, लेकिन बैज के साथ इसमें टोइंग हुक नहीं लगा, तो इसमें दो चीज हो सकती है, या तो इन्होंने बैज बाद में लगाया, या तो इनका फिर बंपर टूट गया होगा, तो उन्होंने बंपर दूसरा लगाया है वो वाला नहीं लगाया जिसमें टोइंग हुक होता है। बट ज्यादा पॉसिबिलिटी बैज की है, क्योंकि भाई साहब टोइंग हुक तो एक काम की चीज है ना, तो उसको कोई क्यों 4x4 गाड़ी में वो करेगा। जस्ट अ नॉर्मल थॉट जो मेरे दिमाग में आया और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये गाड़ी का कुछ काम था, इसको छोड़ दिया है अभी कंपनी, रात को ला के छोड़ा है। गाड़ी तो लगा दी है, अब हम जाएंगे इस पे और धूल खाते खाते जाएंगे। ये है होंडा CB350। डस्ट वस्ट तो नहीं है रास्ते में ज्यादा? अरे इतना बड़ा आदमी पीछे बैठा, पता नहीं चलेगी आज नहीं। अरे मुझे पेट का क्या पेट, तो इसलिए तो बोला जिम दो मुझे, जिम की डाइट दो। देखो आज मुझे नीचे पाँव लगाने की जरूरत नहीं है, कहाँ लगा पाऊँ। आज तो मैं हद से ज्यादा ही फनी हो चुका हूँ, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है, किराएदार बनना आसान नहीं है। पापा जी ज्यादा है बालू। ट्रक वाले भाई साहब ने हमें नीचे दे दिया था, अभी बाल बाल बचे, जल्दी यहाँ से निकलेंगे। हमारा सामान गिर गया, मेरे जेब में आवाज आ रही है सिर्फ। क्या पाना गिर गया था?
ये संभाल के रखो क्योंकि भूख लग गई थी, तो अभी ये कह रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरी भूख का ध्यान रखा जा रहा है, या खुद बड़ी भूख लगी है, पर मेरे को लग रहा है खुद को ज्यादा लगी हुई है। डोमिनोज में मिल गया है पिज्जा। तरुण भाई इंस्पेक्शन कर रहे हैं पिज्जा कैसे बनता है। फाइनली हमारा पिज्जा आ चुका है। इसके ऊपर इसको मशरूम डलवाई थी ऊपर, वो भूल गए, उसके बदले में हमें कुछ और देंगे। चलो पेप्सी जीरो शुगर, ये जीरो शुगर वाली भी सही नहीं है, लेकिन चलो नहीं होता है तरुण भाई, कोई जीरो शुगर कुछ नहीं होती है ना, ये सब सब सेम होता है। कि जैसे वो मशरूम डालना भूल गया ना, उसके बदले में उन्होंने हमें दो चोकोलावा दिए। मुझे लगता है ये बेटर डील थी। पीछे से बोलना दे पैसे के लिए। अच्छा ये भी है। तो गाइस आज तो मतलब ना मैं इतना परेशान हो गया, आपको मैं बता ही नहीं सकता। मतलब मैंने सोचा कि मैं जिम वाले बंदे के साथ हूँ, पूरा डाइट वाइट का ध्यान रखा जाएगा। जितना मीठा मैं एक महीने में खाता हूँ ना, ये एक दिन में ही खिलाना चाह रहा है मेरे को। क्या सीन है भाई? देखो क्या होता है ना, कुछ जिम विम कुछ नहीं होता। अच्छा खाते रहो फिर जिम करो, उतना निकाल लो। ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन। अभी यहाँ मुझे ले गए करा के, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और फिर फाइनली मैंने खाने के बाद का वीडियो है, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने खा लिया है, मैं नहीं खाऊंगा। आप लोग मेरे को फॉलो करो, वहाँ देखना एक वीडियो आएगा इनका, अपनी प्रमोशन। अभी ये वीडियो दो तीन दिन बाद आएगी। मैंने जैसा कि आपको बोला ना, ये किराएदार की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अपने आप को किराएदार पता नहीं क्यों बोलते, पूरा घर इनको दिया हुआ है, मालिक यही है, मालिक है यार। अच्छा ऐसे मुझे शर्मिंदा करके किराएदार बोल गया, सॉरी मालिक बोल के। लो जी ये आ गया मिठा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वापस, और आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ये जगह आपने देखी ना, यहाँ पे वो मशीनें ही पड़ी हुई थी, कब से ये जगह खाली हो गई है, और बाइक अपनी को लगा देंगे। 12 बज चुके हैं। आज मैं आपको सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि मैं फटाफट जल्दी आ गया था ना रूम पे आके, एडिट वेडिट करके मस्त अभी तक सो के, तो आधी नींद मेरी पूरी हो चुकी होगी। अब मेरी वीडियो एडिट कौन करेगा? मैं करूंगा। अच्छा और अभी टाइम पे ब्लॉगर था बेसिकली, मैं और आकाश मिले भी इसलिए थे क्योंकि ये भी ब्लॉगर था, मैं भी ब्लॉगर था। तब मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा तो नहीं थे आपसे? 1500 ज्यादा थे। एक्चुअली इसकी एक वीडियो मेरी वीडियो से ज्यादा वायरल थी, सब्सक्राइबर भी ज्यादा थे, व्यूज भी ज्यादा थे, बट क्योंकि इनकी जिंदगी का उद्देश्य अलग था, मेरी जिंदगी का उद्देश्य अलग था। हमने तरुण भाई को मौका दिया, हमें लगा अपने बंदे को ग्रो होना ज्यादा बेटर है। ये था रिच एंड फ्री स्टाइल, ठीक है? तो इसलिए यूट्यूब पे उस टाइम मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, इसने वो मेहनत करना अवॉइड की और इसने अपना सिस्टम ऐसे ही चला लिया, तो अब ये अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। बताऊंगा क्या क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। ये 2 हफ्ते से बंद पड़ा है, 2 हफ्ते से। मैंने सामने भैया के उससे वाईफाई लिया है, मेरी किचन में जाके मुझे वाईफाई से वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। किचन तो आप ही, ये एक पीड़ित किराएदार की गुहार है जिसका कोई, फिर उसके बाद यहाँ लाइट का तो चलो उसमें आकाश जी का दोष नहीं है। मैंने कहा मुझे इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए, वो भी नहीं मिला यार। तो आप लोन आया, मैं तो बोल रहा हूँ इनको नीचे शिफ्ट हो जाओ, बेटर है ज्यादा। अच्छा सुबह मैं उठा, ऊपर पानी नहीं था, मैं पानी चढ़ाने गया, मैंने देखा यहाँ पे मोटर ही नहीं है। ये इन्होंने अभी इसको सील पैक किया है, तो अभी भी पानी लीक हो रहा है, ऊपर जा रहा होगा पानी। ये है काम कच्चा ही है, अभी जितना पानी चढ़ता है चढ़ा लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने बताया था ना आपको किराएदार बनना आसान थोड़ी है। सुबह का टाइम हो रहा है 6, क्या है नींद ही पूरी नहीं होने दोगे? गुड मॉर्निंग। ये यार इसको ना खुद नींद आती है ना सोने दे, अभी छोड़ने जा रहे हैं बाऊजी को। चलो भाई साहब सुबह सुबह रॉन्ग साइड दे रहे हो, वो भी जम्मू सरकारी बस। चलो भाई साहब ये कोई ठोका है, ये किसने रात को ठोका है? ऐसे खंभा गिर नहीं सकता, देखो पूरा पूरा खंभा गिर गया, रॉन्ग साइड तो करना ही पड़ेगा। फाइनली पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, मुझे लगा मैं जल्दी उठाऊं, यहाँ तो सारी दुनिया ही जगी हुई है। ये आकाश जी की ट्रेन है वंदे भारत। तो बाइक का फायदा होता है, गाड़ी हमें पीछे ही लगानी पड़ती है, बाइक को आगे तक ले जा सकते हैं। चलिए जी छोड़ देंगे अभी, अभी मेरी बात सुनो, अभी लेने भी आना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से जाना, हैप्पी सेफ जर्नी। और गाइस सुबह सुबह जो बाइक चलाने का फील है ना, वो फील भी मतलब अलग ही लेवल है, बड़ा ही मजेदार है। एक तो रोड खाली होती है, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे वापस, फन मस्त सा ब्लॉग मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं मजा आपको आया होगा। मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो सजेशन जरूर देना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी चलान भी हो गया आते आते रास्ते में, पता नहीं चला ऑनलाइन कैमरा, हेलमेट हमेशा पहन के जाएगा।